सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। मैंने पीछे एक पूरी वीडियो सीरीज की थी सिबिल स्कोर के ऊपर। हमने काफी डिटेल में सिबिल स्कोर को डिस्कस किया था कि सिबिल स्कोर आप चेक कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, सिबिल स्कोर का मतलब क्या है, कैलकुलेशन कैसे होती है, सिबिल स्कोर को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। वो सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जब आप सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो साथ में आपको एक पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मिलती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उस क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर जैसे कुछ एब्रीविएशन उसके अंदर यूज होते हैं NA, NH, XXX, तो इन सब का मतलब क्या है, और साथ ही में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसका मतलब क्या है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको पेड रिपोर्ट, पेड सिबिल रिपोर्ट के कंटेंट दिखाने वाला हूं। तो मैंने जब ये क्रेडिट रिपोर्ट खरीदी उसके बाद मैंने मेंबर सेक्शन के अंदर लॉगिन किया। उसके बाद आपको सबसे पहले ये इस तरीके का क्रेडिट स्कोर देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा करंट स्कोर जो है वो 860 है, और ये जो स्कोर होता है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में, ये 300 से 900 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा, जितना 900 की साइड होगा आपका, उतना ही अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे बैंड्स देख रहे हैं तो टॉप 19% लोगों का जो स्कोर है वो 825 से 900 की रेंज में है। 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है, आपको लोन काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट 80% लोन जो होते हैं वो 750 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर वालों को ही डिसबर्स किए जाते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको हो सकता है स्कोर ना मिले, हो सकता है NA देखने को मिले। NA का मतलब है कि नो क्रेडिट एक्टिविटी इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। हो सकता है आपने किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट या लोन ना लिया हो पिछले 3-4 सालों में, तो आपका जो ये स्कोर है वो अवेलेबल ही ना हो, आपको NA दिखा सकता है। फिर आपको ये NH भी दिखा सकता है अगर आपने कभी कोई लोन नहीं लिया है आपने, या फिर बहुत ही कम क्रेडिट यूज़ किया है, आपने क्रेडिट कार्ड भी नेग्लिजिबल टाइम के लिए यूज़ किया है, तो आपको ये नो क्रेडिट हिस्ट्री भी दिखा सकता है। तो अगर आपने ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन लिया है जो यूज़ किया है, लेट से 6 महीने 1 साल के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करी है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और आपका क्रेडिट स्कोर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो फ्रंट पेज पे तो आपको ये क्रेडिट स्कोर मिल जाता है, उसके बाद आपको ये क्रेडिट समरी मिल जाती है। यहाँ पे आपको देखिए ये 6 चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये करंट बैलेंस दिखा देता है, करंट बैलेंस यहाँ पे दिखाता है। अभी ये मैंने अपना करंट बैलेंस हाइड कर दिया है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज आपके जितने भी हैं एक्टिव अकाउंट्स के, आपने जितने भी लोन्स लिए हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, चाहे किसी भी तरीके का लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, किसी भी तरीके का कोई भी क्रेडिट है आपका, तो वो टोटल मिला के जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे शो करेगा। फिर आपकी यहाँ पे लेट पेमेंट शो करता है। लेट पेमेंट का मतलब है आपने जितनी बार भी लेट पेमेंट काउंट है यहाँ पे, ये लास्ट 3 साल में जितनी बार भी लेट पेमेंट्स करी हैं सारे अकाउंट्स में मिला के, वो यहाँ पे नंबर शो करेगा। फिर यहाँ पे ये एक यूटिलाइजेशन रेशो शो करता है। यूटिलाइजेशन रेशो का मतलब है आपकी, मान लीजिए जितनी भी टोटल क्रेडिट लिमिट है, मान लीजिए अगर आपकी एक क्रेडिट कार्ड के अंदर 50,000 की लिमिट है, तो अगर आप पूरी की पूरी 50,000 की लिमिट जो है यूज़ कर लेते हैं तो आपका यूटिलाइजेशन रेशो बहुत हाई हो जाता है। दैट मीन्स कि आप हाई क्रेडिट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मेरे केस में ये 0% ही आ रहा है, तो विच इज़ फाइन। फिर अकाउंट्स ओपन्ड इन लास्ट 3 ईयर्स, तो मैंने जैसे यहाँ पे अभी 2 अकाउंट्स ओपन करे हैं, तो 2 अकाउंट का मतलब है कि मैंने या तो 2 लोन लिए हैं या फिर हो सकता है 1 क्रेडिट कार्ड या 1 लोन हो। तो टोटल अकाउंट्स लास्ट 3 साल में मैंने कितने नए ओपन करे हैं, इंक्वायरीज मैंने कितनी करी हैं। इंक्वायरीज का मतलब है कि लास्ट 3 साल में कितनी बार सिबिल स्कोर पूछा किसी बैंक ने या NBFC ने। तो अगर मैं बहुत बार क्रेडिट इंक्वायरीज जनरेट करता हूं तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है सिबिल स्कोर के ऊपर, ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। फिर डेप्थ ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि मैंने सबसे पुराना जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड लिया था वो कब लिया था। तो मैंने 9 साल पहले लिया था और 9 साल से मेरी ये क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन्ड है, तो ये आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको ये अवेलेबल क्रेडिट दिखाता है। अवेलेबल क्रेडिट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन हाई क्रेडिट फील्ड्स फॉर ऑल एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स एंड टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। दैट मींस अगर आप अपनी पेमेंट्स टाइम पे कर नहीं कर रहे हैं तो उसका भी क्रेडिट कार्ड की स्पेशली
तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा क्रेडिट यूज कर रहे हैं, हाई क्रेडिट का मतलब है आपकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट है आप उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं, दैट मीन्स आप उनको हाई क्रेडिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम पे पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। तो अब बात करते हैं हम क्रेडिट रिपोर्ट की। वो तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले तो क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा, उसके बाद आपको क्रेडिट समरी मिल जाती है। अब ये आती है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जो काफ़ी डिटेल में होती है। तो आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा ये क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर आ गया। यहाँ पे देखिए एक कंट्रोल नंबर होता है, कंट्रोल नंबर हर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, ये CIR बोलते हैं हम इसको, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये हर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का एक यूनिक नंबर होता है। अगर आप कोई डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं तो आपका एक कंट्रोल नंबर से आप उसका एक तरीके का ये रेफरेंस नंबर हो जाता है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि 300 से 900 के बीच में होता है क्रेडिट स्कोर, तो यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन रिपीट करी गई है। और NA और NH के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, आइडेंटिटी के आपके प्रूफ्स आ गए, यहाँ पे बेसिकली नंबर्स आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पैन नंबर और वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे मेंशनड है। फिर इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके लेटेस्ट 4 एड्रेसेस यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं और जिस दिन भी वो रिपोर्ट हुए हैं उधर की डेट रिपोर्ट हो जाती है। अब ये रेजिडेंशियल या ऑफिशियल एड्रेस हो सकते हैं और साथ में आपका ऑफिस और मोबाइल, ऑफिस का फ़ोन नंबर और घर का फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर रिपोर्ट में मिल जाएगी। इसी तरीके से ये एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आप सैलरीड क्लास हैं या फिर आप अपना खुद का काम करते हैं, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है, आपकी लेटेस्ट मंथली इनकम भी यहाँ पे रिपोर्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ही आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये एक मेरा ICICI बैंक से लोन चल रहा है तो इसका पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक हाउसिंग लोन हो गया, अकाउंट नंबर आपको यहाँ मिल गया। अब ये एक जॉइंट लोन है तो अगर आपका जॉइंट है या सिंगल लोन है ये वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर देखिए अब अकाउंट की डिटेल्स में आपको क्या क्या मेंशन होता है। अब ये क्रेडिट लिमिट बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिए है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे कितनी टोटल क्रेडिट लिमिट है, तो यहाँ पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एक हाउसिंग लोन है। फिर सैंक्शन अमाउंट यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि टोटल कितने लाख का लोन लिया है मैंने, मान लीजिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी है। करंट बैलेंस मतलब एज ऑन डेट, अगर ये 25 मई 2018 को रिपोर्ट जनरेट हुई है तो आज की डेट में मेरा कितना बैलेंस है। उसके बाद कैश लिमिट, ये भी आपका क्रेडिट कार्ड के लिए हो जाता है। अमाउंट ओवरड्यू मतलब आपने कोई भी टाइम पे पेमेंट नहीं करी है तो वो कितना ओवरड्यू हो चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कितना लग रहा है। रीपेमेंट टेन्योर, आपने टोटल कितने टाइम के लिए लोन लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें रिपोर्टेड नहीं है, शायद ये हो सकता है ICICI बैंक ने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की गई हैं। और ये EMI अमाउंट है, EMI अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन हो सकता है। तो हो सकता है ये मैंडेटरी ना हो तो ICICI बैंक ने यहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी हैं। पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी मंथली है, क्वार्टरली है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मेंशन हो जाती है। एक्चुअल पेमेंट अमाउंट कितना हुआ, आपकी जो EMI है उस, आपने अगर टोटल EMI अमाउंट नहीं किया, आपने एक्चुअल पेमेंट हो सकता है कम करी हो तो वो यहाँ मेंशन हो जाता है। आपने किस दिन ये अकाउंट खोला था मतलब किस दिन आपने ये लोन स्टार्ट किया था, आपका जो भी लोन का डिसबर्समेंट डेट होती है वो यहाँ मेंशन हो जाती है। अगर आपका ये लोन क्लोज हो चुका है तो डेट क्लोज, तो वहाँ पर यहाँ पर क्लोज करने की डेट आ जाती है। आपने लास्ट पेमेंट कब करी थी, तो अब मेरे केस में ये 30 अप्रैल 2018 को लास्ट पेमेंट हुई थी, डेट रिपोर्टेड एंड सर्टिफाइड, तो ये ICICI बैंक ने 30 अप्रैल को ही ये चीज़ रिपोर्ट कर रखी है। इसके बाद आपकी वैल्यू ऑफ कोलेटरल आ जाती है, अगर मान लीजिए हाउसिंग लोन है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे घर की कितनी वैल्यू है वो लिखी जानी चाहिए, अब इस केस में यहाँ पे मेंशन नहीं है। टाइप ऑफ कोलेटरल, अब ये किस तरीके का कोलेटरल है, अब अगर कार है तो कार आ जाएगा, होम है तो होम आ जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा आ जाएगा, गोल्ड है तो गोल्ड आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सिक्योर्ड लोन के केस में आती है, राइट। फिर अगर आपने किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट किया है, किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। फिर रिटर्न ऑफ स्टेटस, और देखिए अब ये चार चीज़ें ना यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं। रिटर्न ऑफ स्टेटस का मतलब है अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट करा, राइट, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा और आपने कितने अमाउंट का डिफॉल्ट करा, और ये बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे टोटल का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
राइट, और आपने प्रिंसिपल कितने अमाउंट का डिफॉल्ट करा, तो ये काफी नेगेटिवली देखा जाता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है किसी भी लोन को, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये हमेशा आपके लिए एक तरीके से ब्लैक मार्क हो जाएगा आपके सिबिल स्कोर पे, और जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक वो बेसिकली आपका सिबिल स्कोर हमेशा कम ही रहेगा। दूसरा, सेटलमेंट अमाउंट पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेटलमेंट अमाउंट होता है अगर आप किसी लोन की फुल पेमेंट नहीं करते हैं, आप पार्शियल पेमेंट करके बैंक से सेटल कर लेते हैं। तो पार्शियल पेमेंट का मतलब भी है कि आपने फुल पेमेंट नहीं करी, अगर आप कोई दूसरा लोन लेने के लिए जाएंगे तो भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो रिटर्न ऑफ मतलब डिफॉल्ट का और सेटलमेंट अमाउंट का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सिबिल स्कोर पे। तो अगर आप सेटल करने जा रहे हैं कोई भी अकाउंट, या चाहे कोई क्रेडिट कार्ड हो चाहे कोई लोन हो, आप उसको पूरी पेमेंट कीजिए, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा, अदरवाइज आपका सिबिल स्कोर कम ही रहेगा। फिर एक और चीज़ होती है, कई बार आप अगर कोई डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेज करने का ऑप्शन होता है सिबिल की वेबसाइट में। डिस्प्यूट आप तब रेज कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई अकाउंट क्लोज कर दिया है, आपके कोई आउटस्टैंडिंग थे आपने वो पे कर दिए हैं, लेकिन बैंक ने सिबिल में रिपोर्ट नहीं किया है, राइट। तो इस तरीके से आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, और जिस भी सेक्शन को आप डिस्प्यूट रेज करेंगे वहां पे रेड बैंड शो करेगा। अब सिबिल उसको रेड बैंड तब तक शो करता रहेगा जब तक वो बैंक की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ जाता है। सिबिल अपनी तरफ से किसी डिस्प्यूट को सेटल नहीं करता है, इस बात का आप ख्याल रखें। जब तक बैंक उसको कंफर्म नहीं करेगा तब तक वो डिस्प्यूट एज इट इज आपका शो करता रहेगा, और वहां पे एक रेड बैंड शो करता रहेगा। इसके बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर नेक्स्ट सेक्शन मिल जाता है पेमेंट स्टेटस का, कि आपने लास्ट 3 साल के अंदर कैसे कैसे पेमेंट करी है एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, एक ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का अकाउंट की डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये 3 साल की लास्ट दी हैं, तो मैंने खाली ये ऊपर का एक सेक्शन लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0000 मेंशनड है, दैट मींस किसी तरीके की कोई ड्यूज नहीं थे उस महीने में, और टाइमली पेमेंट्स हुई हैं। अब इसमें आपको अलग अलग तरीके के एब्रीविएशन देखने को मिल सकते हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेज पास्ट ड्यू, अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 लिखा गया है तो दैट मींस 0 डेज पास्ट ड्यू है, ये 000 भी हो सकता है। तो 0 डेज ड्यू का मतलब है आप ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये 0 के अलावा कोई और भी नंबर है, दैट मींस कि वो पेमेंट टाइम पे नहीं हुई है। तो अगर यहाँ पे 050 लिखा जाता है, दैट मींस 50 डेज पास्ट ड्यू, तो 50 दिन हो चुके हैं और ड्यू डेट से ऊपर हो चुके हैं। इसके बाद STD लिखा जा सकता है, STD का मतलब है स्टैंडर्ड पेमेंट मेड विद इन 90 डेज। अगर आप 90 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, और उसे हम स्टैंडर्ड पेमेंट कहते हैं। इसके बाद एक SUB होता है, SUB का मतलब है सब स्टैंडर्ड। अगर कोई पेमेंट 90 दिन के बाद होती है, जब भी ड्यू डेट थी उसके 90 दिन के बाद होती है, तो वो सब स्टैंडर्ड कही जाती है। फिर एक SMA होता है जिसे हम स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट वो होता है जो बेसिकली स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा होता है। स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड मतलब कि आपका मान लीजिए ड्यूज हैं, लेट से हम ये 50 दिन की पकड़ रहे हैं, राइट। तो ये अगर 50 दिन है तो ये बेसिकली एक तरीके से स्पेशल मेंशन अकाउंट हो गया, ये स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा है। फिर एक DBT हो सकता है, DBT का मतलब है डाउटफुल। अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो जाता है, 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहता है, तो उसे डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। LSS का मतलब है कि किसी अकाउंट के अंदर लॉस आइडेंटिफाई किया गया है और उस लॉस को भरा नहीं जा पा रहा है, मान लीजिए किसी अकाउंट में कोई भी EMI भरी नहीं जा रही है, तो वहां पे बैंक जो है LSS मेंशन कर सकता है। तो ये होती हैं सारी अकाउंट इंफॉर्मेशन की डिटेल्स। अब मैंने आपको ये पर्टिकुलर एक अकाउंट की डिटेल्स दिखाई हैं। अगर मान लीजिए आपके 4 टोटल अकाउंट चल रहे हैं, हो सकता है 3 लोन के अकाउंट चल रहे हों, 1 क्रेडिट कार्ड का हो सकता है आपके 4 क्रेडिट कार्ड हों आपका, हो सकता है 2 लोन हों साथ में, तो आपके 6 अकाउंट्स हो जाएंगे। तो टोटल अकाउंट्स की अलग अलग तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आप फ्री में सिबिल स्कोर अपना देखते हैं तो आपको काफ़ी समरी में मिलता है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको सारी डिटेल दिखाई, इतनी डिटेल्स उसमें नहीं मिल पाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सिबिल स्कोर पे। आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ज़्यादा इंक्वायरीज जनरेट करने से। ज़्यादा इंक्वायरीज का मतलब है अगर आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स लेना चाहते हैं, बहुत सारा पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, अगर आप पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन्स बहुत ज़्यादा लेते हैं
तो आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट होने लग जाता है सिबिल स्कोर के ऊपर। लेकिन अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, उनका इंपैक्ट थोड़ा सा कम होता है सिबिल स्कोर के ऊपर। इनफैक्ट अगर आप सिक्योर्ड लोन को टाइमली पे करते रहते हैं तो आपका सिबिल स्कोर काफी अच्छा हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट ना करें। तो जितनी बार भी आप बैंक्स में इंक्वायरी जनरेट करेंगे लोन के लिए, उतनी बार बैंक्स सिबिल के पास जाएंगे स्कोर्स जनरेट करने के लिए, राइट? तो सिबिल को इंडिकेशन मिलता रहेगा कि ये बहुत ज्यादा क्रेडिट हंगरी बिहेवियर दिखा रहा है ये पर्सन। तो क्रेडिट हंगरी बिहेवियर का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड टाइप का लोन, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है सिबिल स्कोर के ऊपर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको एक पेड क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर। तो जैसा मैंने पहले कहा, इस तरीके की काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है पेड क्रेडिट रिपोर्ट में। अदरवाइज अगर आप एक समरी चाहते हैं तो वो आपको फ्री में भी मिल जाती है। आप अपना एक मेंबर लॉगिन बना लीजिए। तो मेरा आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू चेक सिबिल स्कोर फॉर फ्री, आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स शेयर कर सकूं वीडियोस के जरिए। तो आप मैक्सिमम कमेंट्स मुझे करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। अब मैं हर रोज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।